स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियबिलिटी के अगले आर्टिकल को देखेंगे। तो सभी छात्र देखें कि अवकलन का प्रथम सिद्धांत का फार्मूला देखेंगे। तो अवकलन का प्रथम सिद्धांत का फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसको हम एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। तो इससे यूज करके हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हम एक्सरसाइज में जब आएगा तो हम उसको देखेंगे। हम उसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं कि अवकलन के कुछ नियम होते हैं, कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। पावर रूल क्या होता है कि xn का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस वन। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अवकलन क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड को सेम रखेंगे, प्लस सेकेंड को सेम और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन उन दो का होता है। कोशेंट रूल, दो फलनों के भागफल का अवकलन क्या होता है, डिनोमिनेटर को हर को कांस्टेंट फिक्स रखेंगे और अंश का अवकलन माइनस अंश को फिक्स रखेंगे इनटू हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग, ठीक। और चेन रूल क्या होता है कि यदि एक फंक्शन एफ जी एक्स का फंक्शन है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम एफ डैश निकालेंगे और जी का डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई करेंगे। यह चैन रूल होता है जिसके हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। कुछ अवकलन के कुछ रूल्स हैं, इनको बच्चे नोट कर लें या फार्मूला है, ये इनका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये मूल रूप से ये 10 इंपॉर्टेंट जिनका ज़्यादा यूज करते हैं, इनको नोट कर लें। अब हम आते हैं कि प्रश्नावली 5.2, इसमें इस फलन का अवकलन ज्ञात करना है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो हमने यहां माना t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन t, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, साइन का अवकलन होता है cos t, ठीक है। और आपका डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और 5 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन है 0। तो अब हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो हम यहाँ डी वाई अपॉन डी टी कितना है कॉस टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है 2x। तो हम कॉस टी, टी का मान वापस रख देंगे, टी कितना दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और साथ में 2x जो है इसको हम पहले लिख देते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि y इक्वल टू दिया हुआ है कॉस साइन एक्स। अब हम मान लेते हैं कि t इक्वल टू मानते हैं साइन एक्स, तो आपका y इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस t डी वाई अपॉन टी टी, कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन टी और डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है कॉस एक्स। तो हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना है आपका माइनस साइन टी और डी टी अपॉन डी एक्स कितना है कॉस एक्स। तो यह वैल्यू आ जाएगी आपकी